नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल के पूर्व मंत्री योसी बेलिन ने अल जजीरा को बताया कि इसराइल को बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी सेनाएं घिरे हुए गजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही। उन्होंने कहा कि बदला कभी भी किसी भी इसराइली हमले का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते होंगे, इसराइल में भावनाएं भयानक और दुखद हैं। मैं समझ सकता हूं कि लोग बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारों को बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी हमले का एक उद्देश्य है और यह गजा में हमास के नेतृत्व को बदलना है। गजा और अन्य अरब संरचनाओं में हमास का कोई नेतृत्व नहीं है, चाहे वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण हो या अरब लीग, तो हमें हिंसा समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अब युद्ध विराम का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन गजा में फिलिस्तीनियों के लिए पानी और भोजन, चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई घंटों के लिए मानवीय युद्ध विराम करना ठीक रहेगा। इसराइल अब तक गजा में ज़मीनी हमला क्यों नहीं कर पाया है? क्या इसके पीछे अमेरिका वजह है? कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि व्हाइट हाउस चाहता है कि इसराइल गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ी देरी करे, यानी वो इसराइल से कह रहा है कि इंतज़ार करें। तो सवाल है कि ये इंतज़ार क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। एक, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए वार्ता के लिए। दूसरी, गजा में सहायता पहुंचाने के लिए। और तीसरी, अमेरिका क्षेत्र में अपने ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए तैयार होना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन ईरान आधारित समूहों द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी संभावित हमले के लिए तैयारी बढ़ाना चाहता है। इसके बारे में उनका मानना है कि युद्ध बढ़ने की आशंका है। हालांकि हमले में देरी को लेकर खतरे भी बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं कि ज़मीनी आक्रमण में लगातार देरी का फायदा ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा उठाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने अब दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से रासायनिक बम के इस्तेमाल के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने वाले हमास के लड़ाकों के पास से ये निर्देश मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि दक्षिणी इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले में मारे गए हमास लड़ाकों के पास साइनाइड वाले रासायनिक बम लगाने के निर्देश थे। इसराइली खुफिया जानकारी के अनुसार निर्देशों में साइनाइड के फैलाने के उपकरण के लिए विस्तृत चित्र भी शामिल थे। ये किबूस बेरी का नरसंहार करने वाले हमास के लड़ाकों के शरीर पर पाए गए USB में थे। वहीं इसाक हरजोंग ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायली इलाकों में हमला करने वाले हमास के एक लड़ाके के पास रासायनिक हथियार बनाने से जुड़ा दस्तावेज मिला है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक हथियार कैसे बनाया जाता है। हॉलीवुड हस्तियों के एक समूह जिसमें अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संगीतकार शामिल हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक और जान जाने से पहले गजा और इसराइल में तत्काल तनाव कम करने और युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि इतिहास देख रहा है। आर्टिस्ट कॉल फॉर सीज फायर नाउ समूह की ओर से बाइडेन को लिखे खुले पत्र में घोषणा की गई है कि इसराइल और फिलिस्तीन में जीवन की विनाशकारी हानि और भयावहता विनाशकारी है और मांग की गई है कि बाइडेन बिना किसी देरी के युद्ध विराम की सुविधा प्रदान करें। मिस्र के रास्ते गजा में मानवीय सहायता की तीसरी खेप पहुंच चुकी है, यह खबर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और AFP के मुताबिक कुछ और ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हुए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इसराइल हमास संघर्ष के बाद पहली बार 20 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गजा में दाखिल हुए थे। दूसरी मानवीय सहायता रविवार को पहुंची थी। कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युद्ध क्षेत्र के बेहतर सिपाही बन पाते हैं। रेगुलर आर्मी के सिपाही कई वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हर परिस्थिति के लिए एक बेहतर सिपाही बन पाते हैं, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग वाले अग्निवीर से क्या हम ये उम्मीद रखें कि वो हर स्थिति के लिए वेल ट्रेन्ड सिपाही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम का पहला बैच जून में आया था और उसके बाद पिछले 15 दिनों में 2 अग्निवीर शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा डर सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। उन्होंने कहा, एक अच्छा सिपाही बनने के लिए हमें 1.5 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वहीं बीते दिनों से भारतीय सेना में अग्निवीर रहे अक्षय लक्ष्मण गावटे जी शहीद हो गए। उनको आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने PM मोदी से अग्निवीर स्कीम को लेकर 2 सवाल पूछे हैं कि क्या युवाओं, सैनिकों और देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम को लागू क्यों किया गया? दूसरा, मोदी जी, आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा की?
उन्होंने कहा यूनिटों में अग्निवीरों को 4 साल कहा जा रहा है। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर शहीद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर लक्ष्मण की तस्वीर साझा की और कहा कि सियाचिन में उनकी मृत्यु की खबर दुखद है, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, उसकी सेवा के लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई अन्य सैन्य सुविधाएं नहीं और शहादत पर उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं। राहुल ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा अग्निवीर भारत के नायकों का अपमान करने की एक योजना है। हालांकि भाजपा ने तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस मुद्दे पर सेना ने भी मोर्चा संभाला है और जवाब दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन फिर से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। एक तरफ युवा खुदकुशियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ मराठा आंदोलन के नेताओं ने 25 अक्टूबर से फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन के नेताओं ने खुद 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय करते हुए राज्य सरकार को मराठा कोटा लागू करने को कहा था। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार वादा करती है लेकिन लागू नहीं करती है, इसने अब युवकों की आत्महत्याओं ने आग में घी डालने का काम किया है। बता दें 24 साल के युवक शुभम पवार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मराठा आरक्षण के लिए अपना बलिदान दे रहा हूं। त्यौहार मनाने नांदेड़ लौटे शुभम पवार ने शनिवार को जहर खा लिया। उनका परिवार सदमे में है। मराठा आरक्षण की मांग से संबंधित ये चौथी आत्महत्या है। कनाडा भारत संबंधों में आई खटास का फायदा उठाते हुए कनाडा में खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। खालिस्तानी समर्थक और घोषित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों ने सोमवार को वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं उनमें दिखाया गया है कि सिख फॉर जस्टिस के समर्थक और खालिस्तान समर्थक वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर झंडे लेकर इकट्ठा हुए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने से हुई, बाद में विवाद यूपी की राजनीति तक पहुंच गया है। अब सपा नेताओं द्वारा अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया है। इस पोस्टर ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि इस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी सपा द्वारा इस तरह के पोस्टर कांग्रेस और सपा के बीच और भी दूरियां ला सकते हैं। इस पोस्टर के साथ ही सपा कार्यालय के बाहर लगा एक होर्डिंग लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। इस पोस्टर के जरिए सपा बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। बता दें राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो एक बार फिर से कांग्रेस की शान बढ़ जाएगी और फिर सीट शेयरिंग में दिक्कत आ सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकें तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद से घमासान और बढ़ गया है। अब बीजेपी को चुनाव से एन पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा संगठन को आड़े हाथों लिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना कहा कि इस इलाके के सर्वमान्य व जिनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन भाजपा के नेता ने अनुशासन वाली भाजपा को बिना डिसिप्लिन वाली भाजपा बना दिया है। रुस्तम सिंह ने आगे कहा, जब मुरैना में मैंने विकास कार्य किया और जनता सर्वे में मुझे चाह रही है, मेरे बेटे को चाह रही है, तो हमारा टिकट क्यों काटा गया, जबकि मुझसे उम्रदराज लोगों को पार्टी में टिकट दिया गया है। एक्ट्रेस और नेता गौतमी तडमल्ला ने सोमवार को बताया कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी के कुछ नेता एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसने उन्हें धोखा दिया और ठगा है। गौतमी ने लिखा है कि आज मैं अपने जीवन में एक अकल्पनीय संकट बिंदु पर खड़ी हूं और पाती हूं कि न केवल मुझे पार्टी और नेताओं से कोई समर्थन मिला है, बल्कि ये भी मेरी जानकारी में आया है कि उनमें से कई लोग सक्रिय रूप से उस व्यक्ति की मदद और समर्थन कर रहे हैं जिसने मेरे विश्वास का धोखा दिया है और मेरे जीवन भर की बचत को धोखा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।